Hi guys, welcome or welcome to my channel. So in today's video I'm gonna share some of the amazing makeup products from Swiss Beauty. And guys आपको तो पता है कि Swiss Beauty एक ऐसी ब्रांड है जिसके मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है वो किसी भी हाई एंड से कम नहीं होते. And let me tell you, these makeup products perform so much better. And if you haven't tried any of these makeup products, you should definitely try it and add it in a vanity. ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं and I totally love it. And also if you're new to my channel, I होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छी लगी तो आपको पता है आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर और बेल बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट वन इज़ दिस क्रीम इट अप ब्लश जिसके आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड इनर पैकेजिंग लुक्स सो क्यूट एंड इट एक्जैक्टली लुक्स लाइक जैसा मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश ना एक्जैक्टली वैसी ही इसकी भी पैकेजिंग है. नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ब्लश, सो दिस ब्लश इज़ वेरी लाइट वेट, एट द सेम टाइम इट्स वेरी पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छा नेचुरल सा लुक प्रोवाइड करता है एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. बहुत ही अच्छा लगाने के बाद ना फ्लश ऑफ कलर दे देता है आपके चीक्स में, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इसका सॉफ्ट सा टेक्सचर है. आपको ना इस वाले ब्लश की बहुत ही टाइनी से अमाउंट यूज़ करनी होती है एंड यूर गुड टू गो. इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स अ मस्ट हैव ब्लश इन योर वैनिटी. So next one is this metallic eyeshadow from Swiss Beauty and it's a bomb.com product, perfect for any party or any night function. And अगर आप बिगनर हो या फिर प्रोफेशनल भी हो तो ये तो आपके वैनिटी में ज़रूर होना ही चाहिए because it literally changes your whole eye makeup. अगर आपका आई मेकअप यहाँ पर है ना, इसको आप अगर लगा लेते हो तो आपका आई मेकअप यहाँ का यहाँ आ जाएगा without taking any efforts. And trust me when I'm saying it. सो अब मैं आपको ना इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ. इसमें बिल्कुल भी चमकी पार्टिकल्स नहीं है, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये लगाया हुआ. एंड इसके लगाने के बाद ना इतनी प्यारी शाइन आ जाती है आईज़ में, एट द सेम टाइम कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इतना ज़्यादा अफोर्डेबल सा कोई आई मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ कर रखा है. बहुत ही जल्दी ये ड्राई अप हो जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड भी हो जाता है. एक चीज़ तो मैं आपको इस वाले आई शैडो के बारे में बताना ही भूल गई कि आप इस वाले आई शैडो को ना बिल्ड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. एंड इस वाले आई शैडो में ना आपको किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा इसका स्मूथ सा टेक्स्चर है and at the same time बहुत ज़्यादा लाइट वेट है and it looks stunning on your eyes. So next one is this palette which is called Cheek a Boo and it's a perfect versatile face palette. And अगर आपके पास ये वाली palette है तो आपको किसी और palette की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको एक highlighter मिल रहा है, brush मिल रहा है और contour मिल रहा है. इसलिए अगर आपके पास ये है तो फिर आपको single blush, highlighter या फिर contour की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है अगर आपके पास ये है. बाकी ये वाली जो palette है ना, इसमें से कोई ना कोई शेड ना ऐसा होता ही है जो बेकार निकले, लेकिन इस वाले के साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है. इसमें तीनों के तीनों शेड बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्यूट सी ये palette है. बस इसमें मिरर होते ना तो चार चांद लग जाते, लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं. बाकी इनके जो शेड्स है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा क्यूट सी ये पैकेजिंग में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, कॉम्पैक्ट है, आप इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं. इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. और जो मेरे पास शेड है वो है 01 जो कि सूट कर जाएगा फेयर स्किन टोन वालों को. और इसमें आपको टोटल 3 शेड मिल जाएंगे, सो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कोई भी शेड को पिक कर सकते हो. अगर आपको आईलैशेस लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो स्विस ब्यूटी से अफोर्डेबल ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है. ये अफोर्डेबल के साथ साथ ना इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. जैसे होती नहीं है बेकार वो 20 और 50 रुपये वाली आती है, वैसी इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी लगती है. एट द सेम टाइम अगर आप कोई ड्रामेटिक टाइप की आई शैडो ढूंढ रहे हो, आई शैडो आई मीन आई लैशेज ढूंढ रहे हो, देन यू शुड ट्राई दिस वेरिएंट, ये है रॉयल. एंड अगर आप कोई बेसिक सा ढूंढ रहे हो तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं पिक्स. बाकी इसमें आपको और भी बहुत टाइप के वेरिएंट मिल जाएंगे. मेरे पास तो फिलहाल ये दोनों है, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. पार्टी वगैरह के लिए आप इस वाले को यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल डेज के लिए आप इस वाले को यूज़ कर सकते हो. सो हम लिपस्टिक को कैसे भूल सकते हैं. सो बेसिकली स्विस ब्यूटी के ना मेरे पास 3 लिपस्टिक्स हैं दैट आर टोटली लव फ्रॉम दिस रेंज. फर्स्ट वन इज़ दिस ऑन द मूव पैलेट, इसका भी मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी लिप पैलेट है, ठीक है. इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर से शेड मिलेंगे. यहाँ पर आपको न्यूड मिल जाएंगे, पीच मिल जाएंगे, डार्क मिल जाएंगे, लाइट शेड मिल जाएंगे, हर टाइप का यहाँ पर आपको शेड मिल जाएगा. और बस इसमें ना आपको ब्रश नहीं मिलता, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया पैलेट है. और इसमें ना 2 शेड आपको और मिल जाएंगे, एक था पिंक और एक था मॉव. यहाँ पर मैंने न्यूड वाला पिक करा था बिकॉज आई लव न्यूड शेड्स एंड दिस पैलेट इज़ वर्थ ट्राइंग, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस. सो जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ये वाली और ये है स्विस ब्यूटी की मैट कैट लिप क्रेयॉन एंड हेयर एम इन द शेड 09 वाइल्ड पिंक. ये ना रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग में आएगी, आपको इसे ऐसे रिट्रैक्ट करना है मतलब निकालना है और इस टाइप की आपको लिपस्टिक मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्लाइड कर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही प्यारा सा ये शेड है। एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप इसे अप्लाई करते हो। बस इसको ना लगाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से अपने लिप्स को ना हाइड्रेट कर लेना। किसी भी आप लिप बाम का यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये आराम से लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, 4 से 6 घंटे तो आपके लिप्स पर आराम से चली जाएगी और ये ना बहुत ही ईजिली ग्लाइड कर जाएगी आपके लिप्स में। बहुत ही ज़्यादा इसका स्मूथ सा टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। जब आप इसे लगाओगे ना तब तो आपको ये क्रीमी टाइप की लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आराम से सेट होकर मैट बन जाती है, विच इज़ अमेजिंग। सो नेक्स्ट है ये वाली लिपस्टिक और ये है नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी, वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। और यहाँ पर जो मेरा शेड है वो है 415 है। यहाँ पर आपको टोटल ना 30 शेड मिल जाएंगे, उस 30 में से तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेड पिक कर सकते हैं। और ये कुछ लिपस्टिक ना इस टाइप की लगती है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रिटी सा शेड है एंड ये विद और विदाउट मेकअप दोनों में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एज यू कैन सी बटर लाइक इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा सुंदर सा ये लगता है जब भी आप इसे अप्लाई करते हो। एंड ये वाली लिपस्टिक अगेन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। बस थोड़ी सी ना ये ड्राइंग है लिप्स पर, टू बी ऑनेस्ट। अब ये नहीं बोलेंगे कि ड्राइंग नहीं है। सो अच्छे से आपको ना मॉइस्चराइज़ कर लेना है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके बहुत ज़्यादा चैप लिप्स है तो आपको ये थोड़ी बहुत ड्राइंग लग सकती है। एट द सेम टाइम इसकी फिनिश बिल्कुल एकदम मैट वाली है। सो अगर आपको आई लैशेज़ नहीं ट्राई करनी है तो फिर मेरे पास मस्कारा में भी ऑप्शन है, और वो है ये वाला। ये है प्रिसिशन मस्कारा बाय स्विस ब्यूटी। आई मीन जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, किसी भी हाई एंड मस्कारा से ये कम नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड इसका वॉन्ड भी मैं आपको दिखाती हूँ, वॉन्ड भी बहुत ज़्यादा प्यारा सा है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड अगर आप इस वाले मस्कारा का यूज़ कर लेते हो ना तो फिर आपको किसी भी आई डोंट थिंक सो आई लैशेज, फेक आई लैशेज की नीड पड़ने वाली है। इतना ज़्यादा ये अच्छा मस्कारा है। एट द सेम टाइम ये ना जैसे आप इसे लगा लेते हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा एलोंगेटेड सा इफेक्ट देता है और आपके आई लैशेज में ना इतना ज़्यादा प्यारा लगता है जब आप इसे अप्लाई कर लेते हो। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोवाइड कर देती है आपकी आईज़ को। ये बहुत ईजीली अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये वर्थ बाइंग मस्कारा है। सो हम स्विस ब्यूटी के कंसीलर को कैसे भूल सकते हैं। द फॉर्मुलेशन इज़ सो गुड, इट इज़ सो अमेजिंग, इट इज़ वेरी लाइट वेट, सुपर अल्ट्रा अफोर्डेबल कंसीलर है ये। द क्वालिटी इज़ अमेजिंग, इसका जो टेक्सचर है, इसका फिनिश है, इसका जो कवरेज है, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। ट्रस्ट में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये वाला कंसीलर नहीं ट्राई करा होगा और किसी को ऐसा कोई होगा जिसको ये वाला कंसीलर नहीं पसंद होगा। और इसमें ना बहुत सारे आपको शेड्स मिल जाएंगे। जो मेरे पास शेड है वो है 04। थोड़ा सा ये मेरी स्किन टोन के लिए डार्क है, बट अगर आपके फेस में डार्क स्पॉट्स है या फिर डार्क सर्कल्स है तो उन्हें आराम से हाइड कर देगा। और इसमें ना आपको करेक्टर शेड भी मिल रहे हैं, जैसे ऑरेंज, येलो और ग्रीन करेक्टर भी आने लग गए, सो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आसानी से ही ब्लेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मस्ट हैव कंसीलर। So lastly I have the kajal from Swiss Beauty and I finally found an amazing purple color kajal from Swiss Beauty। इन्होंने तो यार कमाल ही कर दिया, इन्होंने ना सारे के सारे पेस्टल कलर की रेंज निकाल दी है। इन्होंने पर्पल निकाल दिया है, येलो निकाल दिया है, वाइट निकाल दिया है, ऑरेंज निकाल दिया है, ब्लू निकाल दिया है और भी पता नहीं कौन कौन से कलर इन्होंने निकाल दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे से शेड है, टर्कोइज़ भी निकाला था। एंड आई मीन जस्ट लुक एट दिस पर्पल कलर का काजल, दिस लुक्स स्टनिंग। इसको आप आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, काजल की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो। एंड ये आपको ना इस टाइप के रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग में मिल जाएगा और ये ट्रांसफर प्रूफ है, बहुत ही लंबे टाइम तक ये टिक जाएगा। बहुत ही अच्छे से ये बटर लाइक स्मूथ टेक्सचर है इसका, बहुत ही आसानी से ग्लाइड कर जाता है एंड अ मस्ट हैव काजल फ्रॉम दिस रेंज। एंड विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू और आपको मेरे ये सारे के सारे रिकमेंडेशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी अच्छे लगे होंगे तो आपको पता है आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डाला आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।